अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातो। तमाम तारीफ़ है अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी, आपकी खदमत में इस मौजू के साथ। साहिल का सवाल ये था कि हमल ना रुके बीवी को इस वजह से किसी गोली यानी किसी टैबलेट का इस्तेमाल करना कि जिसके ज़रिए से हमल करार नहीं पाता है, तो क्या ऐसी टैबलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आज के दौर की बहुत ही ज़रूरी और अहम मालूमात है। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, अगर अभी बच्चा छोटा है, दूध पी रहा है और आप दूसरा बच्चा अभी नहीं करना चाहते हैं कि काफ़ी गैप हो जाए ताकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, या अब आप बच्चा नहीं करना चाहते हैं या दो बच्चों में गैप करना चाहते हैं, तो इस नियत से कि अगर हमल ना ठहरे गोली का इस्तेमाल करना ये जायज़ तो है, लेकिन मशीयत इलाही को चैलेंज ना किया जाए बल्कि अपने जहन में ये बात रखी जाए कि हम दुनियावी हिसाब से एक रुकावट कर रहे हैं, दुनियावी हिसाब से बस एक ये गोली जरिया है हमल ना ठहरे। अगर अल्लाह चाहे तो अगर मनी पत्थर पर गिर जाए तो रब चाहे तो वहाँ से भी बच्चे को पैदा फरमा सकता है। तो आप जो गोली अपनी बीवी को खिला रहे हैं, अगर उससे कोई जिस्माना एतबार से नुकसान नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बदन पर उसका कोई असर गलत नहीं पड़ता है, तो ऐसी गोली का इस्तेमाल करना जायज़ है। और जहन में ये बात रहे कि हम दुनियावी हिसाब से एक रुकावट कर रहे हैं, हम मशीयत इलाही को चैलेंज नहीं कर रहे हैं दो बच्चों में गैप करने के लिए या बच्चे की पैदाइश को रोकने या कम करने के लिए। आप इस तरह की गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको खाने से हमल ना ठहरे, लेकिन उससे कोई भी बदन को नुकसान नहीं होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।